नमस्कार दोस्तों, वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर के स्टैटिक्स के फिजिक्स स्टैटिक्स के यूनिट सेकंड, जिसके अंदर अपने आती हैं मेन दो टॉपिक, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स और फर्मी डिराक स्टैटिक्स। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के बारे में हमने पहले पढ़ दिया है कि उसके अंदर उसका जो वितरण फलन है वो किस प्रकार से दिया जाएगा, किन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। उसके अंदर एक अल्फा है, एक वोल्टेज मान लेता हूँ के है, और एक टी है टेम्परेचर। वो तीनों वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके अंदर। तो उसी से रिलेटेड और उसी से कुछ डिफरेंट फर्मी डिराक स्टैटिक्स है, जो एक अलग थ्योरी है, मतलब जो बोस आइंस्टीन से कुछ अलग बातें कहती हैं, कुछ अलग नियमों से प्रतिबंधित हैं, और बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स है कुछ अलग कंडीशन पर बेस्ड है। दोनों थोड़ी सी चलती इक्वल टाइप में ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेन डिफरेंस इसके अंदर आता है। तो हमें देखते हैं इसके अंदर क्या है वो डिफरेंस। तो सबसे पहले, जैसे हमने बोस आइंस्टीन में शर्त पढ़ी थी कि पहले उसकी कंडीशन क्या है, उसकी शर्त क्या है, वो ही शर्त हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर शर्त क्या है कि यह संख्या की उन अभिन्न और अभिभेद कणों पर लागू होती है जिनकी चक्रणीय क्वांटम संख्या अर्ध विषम पूर्णांक की हो, जैसे 1/2, 1/2, 3/2, 5/2 आदि। और इनको जो कण है इसके अंदर ये अर्धपूर्णांक की चक्रण वाले वो हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि। उसके अंदर सिर्फ इतना होता है कि उसके अंदर पूर्णांक की चक्रण वाले होते हैं, ठीक है। उसमें आते हैं फोटोन आदि कण जो होते हैं। तो जो कण इस संख्या का पालन करते हैं उन्हें हम फर्मियोन्स कहते हैं, और जो बोस आइंस्टीन का पालन करते हैं उन्हें बोसोन कहते हैं। ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, आप हमारे पीछे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके चैनल पे अपनी। इन कणों के निकाय का अवस्था फलन है वो प्रतिसम्मित होता है। देखिए आप यहाँ पे एक मेन डिफरेंस भी लिख सकते हैं, अगर जो हम बातें यहाँ लिख रहे हैं अगर आप उनको एक पॉइंट बना के लिखते हैं तो इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी, और जो हम देख सकते हैं जो इसको देखने वाला या पढ़ने वाला है वो यहाँ से एक अट्रैक्टिव पॉइंट बनता है कि आप ये जो मेन इसमें डिफरेंस टाइप बातें हैं इनको आप पॉइंट बना के लिखें, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप इसको अगर परीक्षा के अंदर लिखते हैं तो इसे पॉइंट बना के लिखें कि जैसे कि ये कण बोसोन कहलाते हैं या फर्मियोन्स कहलाते हैं फर्मी डिराक स्टैटिक्स के अंदर, और बोस आइंस्टीन में बोसोन कहलाते हैं। जैसे प्रतिसम्मित की बात होगी या सम्मित की बात होगी, चक्रण की बात होगी, फिर कुछ अपवर्जन नियम की बात होगी, ये सब चीज़ें अगर आप पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फिर जो कॉपी चेक करने वाला बंदा है उसको अंदर झांकना नहीं पड़ेगा, उसको स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि हाँ इसको पता है इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो आइए देखते हैं। तथा ये पाउली के अपवर्जन नियम द्वारा प्रतिबंधित होते हैं। हमने बोस आइंस्टीन में पढ़ा था कि वो पाउली के अपवर्जन नियम से प्रतिबंधित नहीं होते, और पाउली का अपवर्जन नियम ये कहता है कि एक कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो कण है वो विपरीत कण वाले होते हैं। तो बोस आइंस्टीन में वो बात लागू नहीं होती, यहाँ वो बात लागू होगी क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसके अंदर प्रोटॉन्स आ रहे हैं, उसके अंदर फोटॉन्स थे, फोनॉन्स थे, ये सब चीज़ें अलग थी, उसके अंदर कुछ कण अलग थे, उसके अंदर 2 हीलियम 4 था, अल्फा कण था। तो ये पाउली अपवर्जन नियम प्रतिबंधित होते हैं, अर्थात यह संख्या की अपवर्जन नियम पर आधारित है। तो इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार प्रावस्था समष्टि में h की क्यूब आयतन के प्रत्येक कक्ष में 2 से अधिक कला बिंदु नहीं हो सकते, यानी एक कक्ष में 2 ही कला बिंदु होंगे, जो परमाणुओं पर भी लागू होता है। यानी ये प्रावस्था समष्टि जो है वो कक्ष के साथ साथ परमाणुओं पर भी लागू होता है, अर्थात एक ही परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं का समान समुच्चय नहीं हो सकता। इसका मतलब समुच्चय उनका विपरीत होगा तो उनमें चक्रण होगा तो ये पाउली का अपवर्जन नियम लागू होगा, और ये स्टैटिक्स पाउली के अपवर्जन नियम पे बेस्ड होगी। एक कक्ष में 2 बिंदुओं के होने का कारण यह है कि इलेक्ट्रॉनों में ये विपरीत चक्रण में होते हैं, इसलिए एक कोष्ठिका में निरूपक बिंदुओं की स्थिति, निरूपक बिंदु हम कैसे पहले हम पढ़ चुके हैं बेसिक तौर पे, जहाँ पे मैं माइक्रोस्टेट पढ़ा था सबसे पहले कि जो उनकी कला बिंदु को जो डिनोट करने वाला बिंदु है, पॉइंट है, वो निरूपक बिंदु कहलाते हैं, फेज पॉइंट हमने कहा था, कला बिंदु। निरूपक बिंदुओं की अधिकतम संख्या कक्षकों की संख्या से 2 गुनी होती है, अधिकतम संख्या कक्षकों की संख्या से 2 गुनी होती है, निरूपक बिंदुओं की जो नंबर्स है वो कक्षकों की संख्या से डबल होगी।
अब हम मान लेते हैं कि प्रत्येक कक्ष में दो उपकोष हैं, सॉरी उपकक्ष है, एक कक्ष है उसके अंदर दो उपकक्ष है, एक कक्ष को दो उपकक्षों में बांटा गया है जिनमें से प्रत्येक उपकक्ष में एक बिंदु एक से अधिक नहीं हो सकता। मतलब एक कक्ष है वो दो उपकक्षों में विभाजित है और प्रत्येक उपकक्ष में एक से अधिक बिंदु नहीं होगा, इसका मतलब प्रत्येक उपकक्ष में एक ही बिंदु होगा। अतः यदि हम ये कहें कि अप्सिला आई ऊर्जा वाली एक आई कोष्टिका में उपकक्षकों की संख्या जी आई है तो वो जी आई की संख्या किसके बराबर होगी, टू कैपिटल एच पॉन एच की क्यूब के बराबर होगी। कैपिटल एच हम यहाँ जानते हैं कि जो हमारा समष्टि में आयतन लेते हैं, कैपिटल एच बराबर होता है डी एक्स डी वाई डी जेड, डी पी एक्स डी पी वाई डी जेड डी पी जेड का मल्टीपल, यानी तीन पोजिशन कोऑर्डिनेट और तीन मोमेंटम कोऑर्डिनेट का जो मल्टीपल है वो हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। यहाँ हम जो आयतन अल्पांश ले रहे हैं जो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स में हमने लिया था प्रावस्था समष्टि के लिए एच की क्यूब, ये भी एक आयतन है लेकिन ये कैपिटल एल एच और एच की क्यूब जो है दोनों आयतन ही हैं लेकिन एक दूसरे से डिफरेंस है। कैपिटल एच है वो एक अल्पांश आयतन होते हुए भी स्मॉल एच क्यूब की तुलना में बहुत बड़ा है, तो ये जो इसका आयतन का अनुपात है वो डबल होगा। जो हम कह रहे हैं ना कि दो पक्षों में संख्या की दो गुनी होती है, अधिकतम संख्या कक्षकों की संख्या की दो गुनी होती है, तो एच अपॉन एच की क्यूब बराबर टू आ जाएगा। ये एक रिलेशन हमें यहाँ से देना है, ये अपने को याद रखना है थोड़ा सा। अतः इस कोष्टिका में बिंदुओं की अधिकतम संख्या है वो जी आई होगी, यानी जी आई है वो अधिकतम संख्या बता रही है, यानी अधिकतम संख्या जो हम यहाँ से ये पॉइंट हमने बोला था कि अधिकतम संख्या कक्षकों की संख्या की दो गुनी होती है, तो कैपिटल एच अपॉन एच क्यूब यहाँ से कक्षकों की संख्या मिलेगी, इसकी दो गुनी है जी आई, यानी जो जी आई है वो अधिकतम संख्या है। अब यहाँ पे व्युत्पत्ति नहीं है, हम थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से होंगी, क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक कंडीशन और है, हम मान लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि दो कोष्टिकाएँ आई और जे से मिलकर बना एक निकाय है, एक तंत्र है, एक सिस्टम है। प्रत्येक कोष्टिका चार उपकक्षकों में विभाजित है, इसे हम चित्र से समझेंगे। जैसे ये पूरा एक कक्ष है और ये प्रत्येक उपकक्ष है वो चार उपकक्षों में विभाजित है, एक दो तीन चार। ठीक है, और स्थूल अवस्था एन आई बराबर तीन और एन जे बराबर एक लेते हैं। स्थूल अवस्था का मतलब है कि आई कोष्टिका में नंबर ऑफ जो कक्ष संख्या है वो तीन है और जे कोष्टिका में नंबर ऑफ क्या एक है। अब हम देखिए यहाँ अपना डायग्राम, इसको हम डायग्राम से दिखा रहे हैं। ये कोष्टिका आई है, कोष्टिका आई के अंदर अपने पास एक दो तीन चार, इनकी टोटल संख्या चार है। कोष्टिका जे में एक दो तीन चार है, प्रत्येक कक्ष है वो चार उपकक्षों में विभाजित हैं। तो यहाँ प्रत्येक कक्ष में एक एक पॉइंट दिखाया गया है क्योंकि हम आई कक्षा में नाई बराबर तीन ले रहे हैं, तो हमें इनको तीन को इसमें डिवाइड करना है। तो एक दो तीन, ये हमने एक एक बॉक्स खाली छोड़ते हुए क्रम से इनको आपस में अरेंज कर दिया, तो इनको अरेंज करने की जो प्रोबेबिलिटी बना रही है, प्रायिकता बनी, वो चार बन रही है। तो हम उसमें आकृति प्रायिकता इसकी चार लिख देंगे, जो हम पहले बेसिक तौर पर पढ़ चुके हैं। कोष्टिका जे में हमारा एक ही एकण है, एक एकण है, तो इसको अरेंज करने की प्रायिकता वो भी चार पोजिशन हो सकती है क्योंकि हम एक एक बॉक्स में अलग तरीके से एक एक देख सकते हैं। तो यदि प्रत्येक उपकक्ष में एक से अधिक बिंदु नहीं हो सकते हैं तो कोष्टिका आई में तीन कला बिंदुओं को व्यवस्थित करने की चार अलग अलग रीतियाँ हैं, जैसे कि ये हैं। हमने ये कंडीशन दी थी कि एक उपकक्ष में एक से अधिक बिंदु नहीं हो सकता, इसका मतलब इस उपकक्ष में एक ही होगा, इसमें एक होगा, अलग अलग एक एक होंगे। तो हमारे पास तीन बिंदुओं को अरेंज करने की जो संभावना रीतियाँ बनी वो चार बनी। ठीक है, एक बिंदु को व्यवस्थित करने की भी चार विधियाँ हैं जे के अंदर, ये भी चार रीतियाँ हैं, इसको भी हम एक एक पॉइंट को चार तरीके से हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अतः कोष्टिका आई और जे की उष्मगति की प्रायिकता टोटल क्या होगी, इसकी होगी डब्ल्यू आई बराबर चार, इसकी होगी डब्ल्यू जे बराबर चार, दोनों की इक्वल है, सेम मिलती हैं। अतः संभाव्य व्यवस्थाओं की कुल संख्या या स्थूल अवस्था की उष्मगति की प्रायिकता क्या होगी, टोटल क्या होगी, टोटल के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल मिलेगी हमने को 16। देखिए हमें यहाँ से 16 मिले, टोटल हमें यहाँ से 16 मिले। अब हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, बैक हम कहाँ चलते हैं, एक हमने पढ़ा था बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, उसके अंदर हमें टोटल जो मिली थी वो 80 थी, 80, और हमारे पास एक जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान संख्या की सबसे पहले यूनिट में हमने पढ़ा था उसमें हमें चार मिली थी। हम आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाना चाहेंगे, देखिए ये देखिए, ये है अपना जो टॉपिक जो हमारा था, ये हमारा बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स का है। ठीक है, तो उसके अंदर ये देखिए डब्ल्यू आई बराबर 20, इसमें 20 थी संभावनाएं,
इसमें चार थी, तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया था आपस में 20 और 4 को, तो टोटल जो हमारे पास कुल संभावनाएं बनी थी वो 80 बनी थी। तो ये यहाँ पे 80 मिलती हैं और वो फर्मी डिराक में वो 16 मिलती हैं, तो इससे डिफरेंट है। फिर हम बात करते हैं जो हमारे पीछे की वीडियो आप उसमें जाके देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी एक माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट की, उसके अंदर उष्मागतिक प्रायिकता नाम का एक वीडियो है उस नाम से, उसके अंदर है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी पे आधारित है। तो उसके अंदर जो हमने बात की थी वो देखिए, उसमें दस फिलोसफी उसमें चार बनी थी, उसमें हमने ni बराबर 3 लिया, nj बराबर 4 लिया, और यहाँ से हमने जब इस तरीके से हमने उसको निकाला था, इस तरीके से उसको डिवाइडेशन करके, तो हमें 4 मिलती है। ठीक है, तो इसमें 4 मिलती है, इसमें बोस आइंस्टीन में 80 मिलती है, और फर्मी डिराक में 16 मिलती है। तो ये कुछ ना कुछ एक दूसरे से डिफरेंट है, जो अपने अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। तो नोट, यहाँ समान स्थूल अवस्था के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के लिए W बराबर 4 मिलती है, अभी हमने आपको दिखाया बात की, बोस आइंस्टीन के लिए W बराबर 80 प्राप्त हुई थी, अतः फर्मी डिराक उनसे भिन्न हुई, यानी ये उन्हीं सेम कंडीशन सेम स्थूल अवस्था के लिए अलग बात कह रही है, क्योंकि ये अलग बातों पर डिपेंड करती है। अब हम इसकी व्युत्पत्ति करेंगे, अब हम इसका एक फलन निकालेंगे, वो फलन क्या होगा, किस तरीके से होगा, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने बोस आइंस्टीन ढंग से देखा, अगर आपने उष्मागतिक प्रायिकता ढंग से देखा, तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें स्टर्लिंग का फॉर्मूला यूज होगा जो वेरी सिंपल है, उसकी एक ही कंडीशन है, उसको आराम से देख सकते हैं। माना एक कोष्टिका के जी आई कक्षकों में से एन आई कक्षक हैं वो भरे हुए हैं, ठीक है, हमारे पास टोटल जी आई है कक्षक हैं कुल अधिकतम संख्या, उनमें से एन आई भरे हुए, तो खाली कितने हुए, जी आई में से एन आई को घटा दो, वो बच गए, वो खाली हैं। ठीक है, हमें जी आई उपकक्षकों के दो समूहों में विभाजित करने की रीतियों की संख्या गणना करनी है, कि हमारे पास ये है जी आई कक्षक, उसको दो पक्षों में विभाजित करना है, तो इसकी कितनी रीतियां हो सकती हैं, कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है, हमें इसे निकालना है। जिनमें से एक समूह में भरे हुए उपकक्षक दूसरे में रिक्त उपकक्षक हों, जैसे हमें मान लीजिए ये कक्ष है, इसको दो में डिवाइड करना है, तो इसको दो में डिवाइड करने की कितनी रीतियां होंगी, कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, उस चीज़ की गणना करनी है। उसमें से एक मान लीजिए भरा हुआ होगा इस तरीके से लेकर रिक्त होगा, प्रथम कक्ष जी आई भिन्न विधियों से के द्वारा किसी एक अवस्था में स्थित किया जा सकता है, मतलब जो सबसे पहला कक्ष होगा उसको तो हम जी आई विधियों से, यानी उसके पास तो हमारी अधिकतम संभावनाएं है उसको व्यवस्थित करने की, फिर दूसरा कण जो होगा दूसरे कण के लिए पहले कण से एक संभावना कम हो जाएगी, तो पहले कण के लिए अगर जी आई है तो दूसरे के लिए कितनी हो जाएगी, जी आई माइनस के एक, तीसरे कण के लिए कितनी हो जाएगी, जी आई माइनस के टू, इस तरीके से चौथे कण के लिए कितनी हो जाएगी, जी आई माइनस के थ्री, इस तरीके से क्रम से ये चलता जाएगा। तो अगर हमें एन आई कणों को जी आई अवस्थाओं में रखने की भिन्न विधियों की कुल संख्या कितनी होगी, जैसे पहले की दूसरे की तीसरे की, इस तरीके से एन आई कणों की, तो जी आई जी आई माइनस वन, जी आई माइनस टू, इस तरीके से जी आई माइनस एन आई प्लस वन, ये एक श्रृंखला बन जाएगी, जी आई माइनस एन आई प्लस वन, ये एक श्रृंखला बन जाएगी। इस श्रृंखला को हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं फैक्टोरियल रूप में, फैक्टोरियल जी आई बटा फैक्टोरियल जी आई माइनस के एन आई, ये समीकरण नंबर एक हमारे पास आती है। ठीक है, इस सीरीज से हम एक फैक्टोरियल फॉर्म लिखते हैं जो कि फैक्टोरियल जी आई बटे फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई आती है। तो जब हम इस चीज़ को विस्तार से खोलते हैं समीकरण एक को, तो हमें ऊपर वाली सीरीज वो मिल जाती है, या आप आराम से देख सकते हैं मैथ के स्टूडेंट, क्योंकि एन आई कण अविभेद हैं, यानी एन आई कण ऐसे हैं जिनमें हम विभेद नहीं कर सकते, मतलब हम सिर्फ उनको ये कह सकते हैं कि एन आई कण है, हम ये नहीं कह सकते वो कण ए है वो कण बी है, मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अतः उष्मागतिक प्रायिकता के लिए फैक्टोरियल एन आई से में विभाजित करना होगा समीकरण एक को, जैसा कि हमने बोस आइंस्टीन में भी किया था, हमने बोस आइंस्टीन में एन आई फैक्टोरियल एन आई से भी डिवाइड किया, फैक्टोरियल जी आई से भी डिवाइड किया, हम यहाँ सिर्फ फैक्टोरियल एन आई से डिवाइड कर रहे हैं। तो समीकरण एक को फैक्टोरियल एन आई से डिवाइड करने के बाद यदि ऊर्जा अपसाइला आई की कोष्ठिका की उष्मागतिक प्रायिकता डब्ल्यू आई है, तो डब्ल्यू आई हम सिर्फ आई कोष्ठिका बात कर रहे हैं, फैक्टोरियल जी आई बटे फैक्टोरियल एन आई से डिवाइड कर दिया समीकरण एक को, और फैक्टोरियल जी आई माइनस के एन आई समीकरण नंबर दो आ गया। अब ये तो बात थी सिर्फ आई कोष्ठिका की, व्यापक रूप का मतलब होता है अगर हम बहुत सारी कोष्ठिकाएं हमारे पास, जैसे जे है कोष्ठिका दूसरी और भी बहुत सारी है, तो इसमें एक पाई लग जाएगा मल्टीपल के रूप में, जो हमारे पास हम पहले भी लगाते आए हैं,
पाई का मतलब है, जब हम इसको अलग अलग विस्तार से खोलेंगे तो अलग अलग योग के रूप में, मल्टीपल के रूप में आता जाएगा। तो व्यापक रूप में हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर प्रायिकता पाई फैक्टोरियल जी आई बटे फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई समीकरण नंबर 3। अब आपको एक काम करना है, अब आपको काम ये करना है कि थोड़ा सा ये इसको एक बार आप नहीं देखेंगे, पहले हमें समीकरण 3 का या हम कहें समीकरण 2 का नेचुरल लॉग लेते हैं। नेचुरल लॉग लेने के बाद उसका हम अवकलन करेंगे और वो अवकलन अधिकतम संख्या बताए इसके लिए होगा उसका वैल्यू 0 के बराबर। जैसे मैथ में करते हैं कि किसी भी चीज़ की वैल्यू वर्तमान या आसमान में अधिकतम देनी है तो उसका अवकलन है वो 0 के बराबर होना चाहिए उस चीज़ का, उस राशि का। और अवकलन 0 के बराबर होने का मतलब है कि वो चीज़ कॉन्स्टेंट है उस राशि के लिए। तो हम समीकरण का नेचुरल लॉग ले लिया, नेचुरल लॉग डब्ल्यू आ गया, बराबर इधर समेशन लग गया क्योंकि पाई लगा है, पाई का मतलब होगा इन सब का एडिशन, तो समेशन आ गया। फिर इसमें नेचुरल लॉग फैक्टोरियल जी आई करेंगे, नेचुरल लॉग एन आई फैक्टोरियल नेचुरल लॉग जी आई माइनस एन आई करेंगे, तो ये एम गुणा एन बनेगा, जिसे हम एम प्लस एन लिख देंगे, तो एम प्लस एन यहाँ लिख दिया। फिर ये लॉग एम बटा एन बनेगा, तो लॉग एम बटा एन, लॉग एम माइनस एन होता है, तो लॉग फैक्टोरियल जी आई माइनस के ऊपर ये जाएगा, तो ये प्लस वाली चीज़ दोनों में माइनस लग जाएगी और समीकरण 4 में प्राप्त हो जाएगी। फिर हम इसमें स्टर्लिंग फार्मूला लगाना है। स्टर्लिंग फार्मूला जो है वो हम ऊष्मागतिक प्रायिकता के अंदर भी पढ़ चुके हैं, बोस आइंस्टीन में पढ़ चुके हैं, वेरी सिंपल है, उसका एक ही तरीका है उसको लिखने का, वो तरीका आप बार बार लिख रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। नेचुरल लॉग डब्ल्यू समेशन, देखिए जो फैक्टोरियल में जी आई है उसको पहले आप आगे लिखिए, ठीक है, फिर नेचुरल लॉग जी आई फैक्टोरियल इसमें हट जाएगा स्टर्लिंग फॉर्मूले में, माइनस के फैक्टोरियल में जो चीज़ है उसको आप आगे लिख दीजिए एन आई, फिर वापस सेम लिख दीजिए फैक्टोरियल हटा के नेचुरल लॉग एन आई माइनस के जी आई, इसमें जब दो आ जाते हैं माइनस के अंदर तो इसको हम दो तरीके से लिखेंगे, जैसे हम इसमें आ जाएगा माइनस जी आई नेचुरल लॉग जी आई माइनस के एन आई, फिर माइनस बार है माइनस इसमें लगेगा, माइनस एन आई आगे आएगा, माइनस बार है तो प्लस एन आई आ गया और नेचुरल लॉग जी आई माइनस के एन आई, एक बार जी आई को बार ले लो, एक बार एन आई को बार ले लो, फुल फॉर्म आज में लिख दो, तो ये समीकरण 5 है वो स्टर्लिंग फॉर्मूला आ जाएगा। फिर हम कहेंगे कि अधिकतम प्रायिकता के लिए जी आई हमें कांस्टेंट लेने पर, तो जी आई कांस्टेंट लेंगे अधिकतम प्रायिकता के लिए, तो इसका अवकलन जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो डेल नेचुरल लॉग डब्ल्यू बराबर 0। इस समीकरण को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ये थोड़ी सी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी, समेशन आई नेचुरल लॉग जी आई माइनस एन आई बटा फैक्टोर एन आई डेल एन आई, डेल एन आई हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें इसको एन आई के रिस्पेक्ट में अवकलन फॉर्म में दिखाना है और इसको 0 के बराबर लेना है। ये फॉर्मूला आप दे सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला देने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, समीकरण नंबर 6 दे दी। अब हम जो पहले बोस आइंस्टीन स्टेटिस के अंदर भी हमने यही किया था कि यदि कणों की संख्या और ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है तो उनका अवकलन 0 के बराबर होगा, तो डेल एन बराबर समेशन डेल एन आई, डेल एन आई के अंदर कणों की संख्या का जो समेशन टोटल योग है वो कॉन्स्टेंट है, वो कुल डेल एन है बराबर 0 है, और डेल यू बराबर ऊर्जा समेशन अपशाला आई डेल एन आई, एक कण की ऊर्जा अपशाला है तो डेल एन आई की कितनी होगी, टोटल हो जाएगी बराबर 0। समीकरण 7 और 8 हमें प्राप्त होंगी। अब हमें समीकरण 7 को माइनस अल्फा से, समीकरण 8 को माइनस बीटा से गुणा करके समीकरण 6 में जोड़ना है। समीकरण 6 में जब हम इसको जोड़ देंगे तो समीकरण 9 हमें मिल जाएगी, डेल एन आई हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे डेल एन आई कॉमन आ जाएगा और बीटा इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद डेल एन आई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बीटा अपसाइल आई बचेगा, यहाँ अल्फा बचेगा, डेल एन आई कॉमन 12 आ जाएगा बराबर 0, समीकरण नंबर 9 मिल जाएगी। फिर ये डेल एन आई स्वतंत्र है भाई, कणों की संख्या स्वतंत्र है तो ये 0 के बराबर ले सकते हैं इसको, और यहाँ से समेशन वगैरह सब कुछ हट जाएगा, ये अंदर वाली चीज़ 0 के बराबर आ जाएगी। फिर आप अल्फा प्लस बीटा अपसाइल आई को दूसरी साइड ले जाके पॉजिटिव बढ़ा दीजिए, नेचुरल लॉग को दूसरी साइड ले जाएंगे तो दूसरी साइड की जो राशियां हैं वो ई की पावर में चली जाएंगी, और ई की पावर में लिख दो, या इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं चरघातांक की, तो इसको हम ई एक्स पी लिख सकते हैं, ई एक्स पी लिखेंगे हम तो इसके सामने लिखेंगे मल्टीपल के रूप में आगे ब्रैकेट में, और ई की पावर में लिखेंगे तो इसको हम ई की पावर में ऊपर लिखेंगे, कोई सा भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास हम इसको एन आई को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एन आई वापस कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस बन जाएगा, ये एन आई इसके नीचे आ जाएगा, तो जी आई बटा एन आई है वो एक हमारे पास संख्या को डिनोट करता है, एक अनुपात को डिनोट करता है, तो यहाँ से एन आई हमें निकालना है, सहायतन फलन जो हम निकालते हैं वो हो जाएगा जी आई बटा में ये चीज नीचे लग जाएगी, समीकरण 10 आ जाएगी। फिर हमारे पास जो ए है 1 प्लस
ई की पावर अल्फा में है ये, ई एक्स पी में है, तो इसको हमने ए लिख दिया, जी ए बटा ए ई एक्स पी बीटा एप्सिलॉन आई प्लस के, यहाँ पे ए बराबर ए ई की अल्फा, यहाँ पे ई की जो अल्फा है उसको हमने कैपिटल ए लिख दिया, कॉन्स्टेंट है वो समीकरण नंबर 10। तो ये समीकरण नंबर 10 जो है ये हमारे पास फर्मी डिराक वितरण का नियम कहलाता है, वेरी सिंपल है ये, यहाँ तक आप कर सकते हैं, फर्मी डिराक वितरण का नियम है ये। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, बाकी सिंपल चीज़ें बोल साइंस स्टैटिक्स और फर्मी डिराक लगभग एक जैसी हैं, बस थोड़ा सा अलग आता है इसके अंदर। अब इसमें थोड़ा सा हम बात और कर रहे हैं, हमें कि फर्मी ऊर्जा की बात और कर रहे हैं थोड़ी सी, कि डी यू बराबर टी डी होता है, एंट्रोपी की परिभाषा से हम जानते हैं, बीटा बराबर 1/kT होता है, वोल्टेज मान्यताओं को उसमें संबंध होता है, ई एफ है वो फर्मी ऊर्जा हम यहाँ पे लेते हैं, तो ई एफ बराबर होता है माइनस के अल्फा के टी, जैसे कि बिट्टा बराबर 1/kT, उसी तरीके से फर्मी ऊर्जा ई एफ यहाँ पे होगी ई एफ सॉरी एप्सिलॉन एफ माइनस के अल्फा के टी। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर यहाँ से हम निकाल लेंगे तो माइनस की ई एफ बटा के टी हो जाएगा, विपक्षांतर कर लिया। अब समीकरण 10 में एक तो अल्फा का मान ये रख दो आप, तो समीकरण 10 से अपनी यहाँ पे अल्फा का मान तो जो अभी हमने निकाला ये रख दो ये वाला, और बिट्टा का मान आप रख दो यहाँ पे बिट्टा बराबर 1/kT, तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। समीकरण 10 से इसमें जब हम मान रखेंगे हमारे पास तो हमें ये मान मिलेंगे, ठीक है। तो ये NI के अंदर हमारे हम कह सकते हैं टेम्परेचर के अंदर एक समीकरण मिलती है, तो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स जो अपने फर्मी डिराक स्टैटिक्स का वितरण फलन ही है ये, लेकिन ये टेम्परेचर के अंदर है, फर्मी ऊर्जा के अंदर है। अगर फर्मी ऊर्जा में पदों की बात करेंगे, फर्मी ऊर्जा के पदों में निकालिए तो हम यहाँ तक कर देंगे, वरना हम वहाँ तक कर सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं कि यदि एप्सिलॉन आई जो कुल ऊर्जा है अणुओं की, यदि वो फर्मी ऊर्जा से कम हो और यहाँ पे टी बराबर अगर जीरो हो टेम्परेचर, तो NI बटे GI बराबर 1 मिलता है, यानी वो कक्ष कहें वो पूर्ण रूप से भरे होंगे। यदि एप्सिलॉन आई बड़ा हो ई एफ से, फर्मी ऊर्जा से ई आई ऊर्जा स्तर अधिक है, और तो हमारे पास ये कंडीशन टेम्परेचर की यही होगी, तो NI बटे GI बराबर 0 होंगे, यानी कि रिक्त होंगे वो कक्षा के उस कंडीशन में रिक्त होंगे। और यदि दोनों ऊर्जा स्तर बराबर आते हैं तो NI बटे GI जो अनुपात मिलता है वो 1/2, यानी अर्धपूरित आधे भरे हुए आधे खाली, जहाँ पे टेम्परेचर टी ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम यहाँ पे ग्राफ बना के ये दिखा सकते हैं कंडीशंस को, यदि इस पे हम ले सकते हैं एनर्जी को, इस पे NI बटे GI का अनुपात है, यहाँ पे एक जहाँ पे लिखा है उसका मतलब NI बटा GI का मान जब 1 होगा टी बराबर 0 पे, तो ये यहाँ पे टी बराबर ये इस तरीके से ग्राफ होगा। फिर आप फर्मी ऊर्जा पे जब आ जाएंगे ई एफ आ जाएगा यहाँ पे, तो NI बटे GI का मान जो है वो 1/2 मिलेगा, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें टी ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ। तो धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखिए, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स और फर्मी डिराक स्टैटिक्स दोनों ही एक दूसरे के लगभग इक्वल और एक दूसरे से मिलते जुलते ही टॉपिक हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आप कह सकते हैं कि बीकानेर जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम है PSC सेकेंड ईयर में, उसमें से इन दोनों में से एक आने की संभावना है वो 100% बनती है। इन्हें अच्छे से देखिए, बार बार पढ़िए और इनको पूरा कीजिए। उस न्यूमेरिकल्स इन पे दिए गए हैं, उस न्यूमेरिकल्स को भी आप देखिए, ये इन पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक।